अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का हेटी में अपने सिफारती अमले को कम करने का फैसला। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कैनेडियन शहरियों के इनखला का कोई मंसूबा फिलहाल नहीं है, मुल्क में फंसे कैनेडियन शहरियों को मदद फराहम करते रहेंगे। कनाडा ने इसराइल को गैर मुहलक फौजी बरामदात रोक दी। फौजी बरामदात इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल होने का खतरा है। कैनेडियन हुकूमत ने फैसला कानूनी और सियासी वजूहात की बिना पर किया है। टोरंटो में एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मुंजमद बारिश का इम्कान। वीकेंड पर शहर का मौसम मामूल से गर्म रहेगा। इतवार के रोज़ शहर में बारिश और मुंजमद बारिश का इम्कान। रूस में 8वें सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। प्योतिन ही 5वीं बार रूसी सदर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। 227 अमरीकी शहरियों पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा ने गैर मुस्तहकम माहौल का हवाला देते हुए हेटी में सिफारती अमले को कम कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ने गैर मुस्तहकम माहौल का हवाला देते हुए हेटी में सिफारती अमले को कम कर दिया। कनाडा की हुकूमत पोर्ट ओपरेंस के सफारत खाने में हेटी में अपने सिफारती असरात को ज़रूरी मुलाजमीन तक कम कर रही है, लेकिन अभी तक शहरियों को निकालना शुरू करने का कोई मंसूबा नहीं है क्योंकि बदअमनी कैरेबियन कौम को अपनी लपेट में ले रही है। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने इस इकदाम का ऐलान करते हुए कहा कि अमले की तख़फीफ़ कनाडा को इस गैर मुस्तहकम सूरत हाल के दौरान कैनेडियनों की मदद के लिए हेटी में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने की इजाज़त देगी क्योंकि सप्लाई की महदूद दस्तियाबी है। जूली ने कहा कि मुल्क में बकिया कौंसलर टीम कनाडा के बाशिंदों को दूर दराज से उन लोगों के साथ मदद फराहम करती रहेगी जो अब आर्जी तौर पर बैरून मुल्क हैं। गैर ज़रूरी मुलाजमीन को डोमिनिकन रिपब्लिक में मुंतकिल कर दिया गया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के हुकाम ने जुमेरात को ऑटावा में एक ब्रीफिंग के दौरान तस्दीक की। ये दूसरे ममालिक की पैरवी करता है जिन्होंने हालिया दिनों में हेटी से अमले को पहले ही मुंतकिल कर दिया है। कनाडा ने इसराइल को गैर मुहलक फौजी बरामदात रोक दी हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा ने इसराइल को गैर मुहलक फौजी बरामदात रोक दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के एक सरकारी जरिए ने बताया कि ज़मीन पर तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल की वजह से कनाडा ने जनवरी से इसराइल को गैर मुहलक फौजी बरामदात रोक दी हैं। सूरत हाल की हसासियत की वजह से नाम जाहिर ना करने की दरख्वास्त करने वाले ज़राए ने मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत जानबूझकर कैनेडियन साख्ता बख्तरबंद गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त के लिए इसराइल की दरख्वास्त को सुस्त कर रही है। इसराइली हुकूमत ने तकरीबन 30 बख्तरबंद दरामद करने की मंजूरी के लिए वजीर खारजा मेलानी जूली के दफ्तर को एक दरख्वास्त भेजी। लेन देन मुकम्मल होने से पहले कैनेडा को ज़रूरी बरामदी लाइसेंस देना ज़रूरी है, लेकिन इसराइल की दरख्वास्त इस वक्त से मादूम है क्योंकि वफाकी हुकूमत इसराइल और हमास तनाज़े पर अपने मौक़ पर एक नाजुक घरेलू तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने भी गैर मुहलक फौजी सामान और टेक्नोलॉजी के इसराइल को बरामदात की मंजूरी रोक दी है, जैसा कि नाइट विजन चश्मे उन खदशात की वजह से कि ये आलात इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने अभी तक इसराइल को फराहम किए जाने वाले आलात की तफसीली फहरिस्त फराहम नहीं की है जो बरामदी इजाज़त नामे को मुअत्तल किए जाने से पहले भेजे गए थे। वफाकी हुकूमत के इजाज़त नामे का तौक़ कानूनी और सियासी दोनों तरह के मज़म्मरात रखता है। अगर वफाकी हुकूमत
फौजी साजो सामान के लेन देन की इजाज़त देती है तो इससे फलस्तीनी हामी ग्रुपों के गुस्से को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और गजा में इजरायली फौज की कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद होने का खतरा है। कनाडा के शहर टोरंटो में एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मुंजमद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मुंजमद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक जुमे के रोज़ शहर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का मौसम मामूल से गर्म रहेगा। हफ्ते के रोज़ शहर में बादल छाए रहेंगे जबकि दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज़ शहर में बारिश और मुंजमद बारिश का इम्कान है जबकि दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रूस में 8वें सिदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आज से आगाज होगा। पोलिंग का अमल 17 मार्च तक जारी रहेगा, मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस में 8वें सिदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आज से आगाज होगा। पोलिंग का अमल 17 मार्च तक जारी रहेगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के सदारती इंतखाबात के लिए आज बरोज जुमतुल मुबारक को शुरू होने वाली पोलिंग हफ्ते और इतवार को भी जारी रहेगी। इंतखाबात में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। प्यूतन ही 5वीं बार रूसी सदर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सदारती इंतखाबात में 4 में से 3 उम्मीदवारों का ताल्लुक ऐवान ज़ेरी से है। सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नवालनी पुरअसरार मौत का शिकार हो चुके हैं जबकि 2 के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। रूस में होने वाले इलेक्शन सर्वेस बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ही 6ठे साल के लिए दोबारा सदर बनेंगे। दूसरी जानिब सदारती इंतखाबात के हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ये मुल्क में इंतहाई अहम इलेक्शन है, इसके नतायज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर बराह रास्त असरात मरतब करेंगे। रूसी हुकूमत ने सदारती इंतखाबात के मौके पर तर्जुमान महकमा खारजा समेत 227 अमरीकी शहरियों पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक रूस मुखालिफ बयानात और इकदामात पर अमरीकी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई है। तिजारत दिफा तवानाई के अमरीकी नायब वजरा खारजा और रूस में अमरीका के साबिक सफीर जॉन सलिवान को भी रूस में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फिलहाल इतना ही, अपने मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Precise and effective.